Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ आप सबकी बान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हूँ अफशा शेख और हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है मैडम को दिखाते हुए. ऐसा दिखे नहीं हाथ ऐसे ही हमने हमारा ब्लॉग स्टार्ट किया है. तो हमने हमारा ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया माइन? ठीक है, तो आज हमारे घर पे आए हैं अफान. हाय अफान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हाउ आर यू अफान? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड ब्रो, वेयर आर यू गोइंग ब्रो? अम्मार के वहां. अम्मार के वहां जा रहा है. अम्मार की चर्चा है, अम्मार को तो दिख रहा हूँ. अम्मार है कौन? अम्मार अम्मार सबके पास है. अम्मार तीन तीन दांत का 100 किलो का बकरा. ये अम्मार है. हाय अम्मार, वालेकुम सलाम अम्मार. हाय करो हाय. ये हमारे पड़ोसी है. स्कूलर में तो अभी देखा. हाँ, तो हमारा बकरा आ चुका है. तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे बकरे जो आए हैं और बाहर क्या 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 कैसे बन रहा है बकरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश से. और हम रोजा भी रखने वाले हैं तो सहरी भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. अपन मेरा फोन लेके जाए अभी. और बाहर जो बन रहा है ना, बकरे नहीं रहे अभी, जो वो बन रहा है ना छत, वो रिकॉर्ड करके लगा. हाँ, ये ले. सो यहाँ पर अपना शेड बना हुआ है. यहाँ पर दो बकरे हैं और वहाँ पर है ना एक बकरा है. वहाँ पर उसको अलग रखे क्योंकि जो वाइट वाला है वो उसको बहुत मार रहा है. और हाँ, बस ये हम लोग का मंडप बना है. अब यहाँ पर वो स्टेज ले गया जहाँ पर बकरे बैठ सकते हैं क्योंकि फिर बारिश का पानी आएगा तो नीचे आएगा ना, तो हम लोग ऊपर का बनाएंगे. हाँ अफशा जी. यस, तो आई वॉज सेइंग कि अपना वो स्टेज जैसा लास्ट टाइम बनाया था वही बनाएंगे ना, क्योंकि अरे नहीं, गीला पानी आएगा ना बारिश का. टेबल हाँ वही ना, स्टेज बोला स्टेज बोला तो स्टेज बोला. बकरा तो नाच के लाई, चिकनी चमेली, चिकनी चमेली. बकरा नाच के, इमेजिन बकरा नाच कर रहा है. इमेजिन इमेजिन. यस, नहीं तो पानी नीचे से लेके पता नहीं क्या करने वाले. अरे वो लास्ट टाइम तो कहते ना रेड रेड बॉय बनाए गए, लास्ट टाइम वो बकरे ने तोड़ दिया था याद है. मैं नीचे गिर गया था, बोला बात है. ठीक है, ये बकरी काट रही है. अभी ये कौन सा बकरे क्या है वो मैं कल दिखाऊंगी आपको. ये जो इनके बाजू में है वो दो दांत की है, दो दांत की है. ये देखो, ये एक मारने गई है और वो तीन दांत का बकरा 100 किलो का. और ये नमाज को जा रहे हैं. और ये हमारी माचिस की तिल्ली है. चलो पतला, आप तो देखो, आप तो माचिस की तिल्ली भी नहीं हो, उससे भी पतले हो. नीडल हो, नीडल. अभी क्योंकि कल हमारी सहरी होने वाली है. मेरा आज का भी रोजा था बट मैंने वो नहीं बनाया. बारिश बारिश के लिए बोलूँगी, भूल गई थी. मम्मी ने बोले अच्छा याद दिला के बना देती तो ज़्यादा बेटर होता था. तो मैं अभी बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी जब मैं सहरी में होती. मैं ऊपर ही सोऊंगी ना. कब सोओगे? टाइम है, रात में सोएंगे, रात में सोएंगे. ठीक है, मैं कब सोओगे? ब्लॉग भी आएगा ईद में. ये इसको वापस दिखाऊंगी मैं, फिर देखना इसका चेहरा ईद में. फिर पीछे पढ़ो तुम लोग, फिर बोलो चेहरा दिखाओ. ये परेशान करती रहेगी मेरे को. तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसकी फैमिली मेंबर जो बाहर आया ना बकरे लोग, उससे मिलाने के लिए लेके जा रही हूँ मैं. ठीक है, मैं कैसे करेंगे फैमिली मेंबर को हाई कैसे बोलिए? अभी जाके हाय बोलिए. बुलाता है बकरा मगर जाने का नहीं. बुलाता है बकरा मगर जाने का नहीं. कैसा बुलाता? माहिंग माहिंग सब खा पूरा गिरा फिरा के सब भागते. माहिंग ऐसा बुलाता, एक बार ही गिरा ही बस. सुनना माहिंग भागती थी तो माहिंग को ऐसा लगता माथे पे तैंड करने अल्लाह माथे से क्या करने का. तो ये मंडप हो गया रेडी. ये बकरे का उद्घाटन करवाती हूँ. ये हमारा मंडप जो इसमें लिखा. देख मैं तुझे बोलूँ नहीं नहीं बहुत ज़्यादा कह रहे. अरे वो दे रहा ना मैं. क्या दे रहा?
ना वो तोड़ देंगे बहुत बड़ी रस्सी है हाँ गिरा देंगे लोग नीचे से बांध दादी इस पे से बांधते सलिया है इस पे से बांधने लगा है ना ताकि वो आराम से नीचे बैठ सके। अरे अब्बा ये क्या ये खुलेगा नहीं ये दीवार में टूटेगी ये दीवार पे बांधने दीवार में से नहीं निकलेगा ना भाई छोटे अब्बा की उंगली खींच सकते तोड़ सकते हैं लोग तो दीवार क्या चीज है छोटे याद ही कर लिया अच्छी अपने पास है ना वीडियो बाबा बाबा कितने बकरे चार है बाकी दो किधर है मेरा देखी पर अंदर तो देखा हाँ ये मारने का डर लगता है लोग मार देते ना डर लगता है मार देते लोग सिंह अभी नया नया पट्टी कर लो पट्टी कर लो पट्टी सुबह तक पूरा गंदा कर देंगे हाँ बस बारिश ना हो पूरा गंदा कर देंगे बारिश का पानी आया तो रात को सही पूरा बांध देंगे इसके लिए तो बांध देंगे साइड से चलो 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 अरे कान मत खींच रहे दुखता होगा उन लोगों को मत 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 दुखता होगा चल पीछे से मार लो सर पीछे से मार आगे जाएगा हाँ आगे जा भाई उठ लगा 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 ना उसको कहाँ है तुम्हारे घर कहाँ है तेरे घर वाले क्या तेरे घर वाले उठा बोला ज्योति काकी ओ ज्योति काकी छोड़िए जाओ पर सो ये अभी हमारे जो चार बकरे थे ये चारों बकरे हमारे भी अंदर सोने की तैयारी कर चुके हैं सो रहे और अब्बा बोले मैं थोड़ा ध्यान रखने के लिए बाहर बैठने वाला हूँ तो मेरे अब्बा बैठ रहे हैं बाहर फिलहाल पता नहीं कितने बजे तक और एक बकरी जो है अभी ऊपर जा रही है बाय बकरी मैं ठीक है तो मैं भी चली अभी ऊपर सोने के लिए बिकॉज मुझे उठना है सहरी तो मिलते हैं आपको सहरी में अफान आज यहीं सो रहा है हमारे साथ तो अफान आज रुका है सैटरडे संडे ईद तक रुकने वाला है या क्या सीन है शाम तो शायद ईद तक वो यहाँ रुक सकता है तो रुक गया बस ये आवाज़ कम कर रही है लोग के पीछे सबका रील चल रहा है कॉपीराइट आएगा मुझे कॉपीराइट आएगा तो मैंने लगा दिया है सास ग्लो क्रीम जैसे आपको मैंने बताया अभी मॉनसून में नया बनाया है तो अच्छा चल रहा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं तो ऑर्डर करो और याफान ने मुझे काटा तो लाल लाल हो गया देखो निशान दिख रहा है राउंड शेप दिख रहा है ये मुझे इसने काटा है इसने काटा है तो अभी मैं इसको कल कटवाऊंगी बकरे से मेरे मुझे बकरा इसको काटेगा इतना निशान अगर लाल लाल हो गया देखा कैसे काटा है पहले मारू ना दो लाखों तो उल्टे आपके फंग करके तो पकड़ता हूं ब्लॉग ब्लॉग बोल के मैं ऐसे ही उल्टे आपके देख निशान आ गया देख लाल लाल पूरा काटा राउंड दिख रहा है वो ज्यादा बकरे के जहरीला निशान आया उसके ऊपर चलो गुड नाइट कल मिलते हैं सहरी में बाय चाय मान ले चाय पूरी फिर क्या अच्छा बटर चिकन की ग्रेवी बटर चिकन दूध भी गर्म कर इतना सब नहीं खाऊंगा पहले से हैवी हैवी है अब्बा सोए नहीं कि अब्बा अभी उठे नहीं जैन जगा हुआ था हाँ फिर अभी जैन गया सोने के लिए हाँ तो कब तक जागेंगे फिर ऐसा तो बाप रे अब्बा की नींद पूरी गई फिर तो हम भी तो कुर्बानी दे रहे क्योंकि कुर्बानी के लिए अपने को ये सब कर ले बट अपना अगर अपना ऐशो आराम सोचेंगे अपना नींद सोचेंगे तो फिर कैसा करेंगे या तो फिर घर में रखो घर में रखें तो घर में वो कैसे पूरा गंदा करते बच्चा बारिश में ठीक है तो यही तो सही असल कुर्बानी है ना नमाज पढ़ लिए मैं जा ही रही हूँ मेरे पहले तेरे को कर दूँ मैं पढ़ते रहूँगी पढ़ के आ गए मैं तो नमाज मैं तो नमाज पढ़ ली ये खाती हूँ मैं पढ़ के आई मैं तो अभी खा के फिर फजर पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी चल
भाग रहा होगा ना इधर से तो डर के मारे। तो मेरी सहरी हो गई है, नहीं आई नहीं थे कॉल पे बोले थे। सो मेरी सहरी हो गई है कंप्लीट अलहमदुल्ला से, मेरा पेट भी भर गया है और सोचू थोड़ा अभी 2-3 किलो फिर से कम कर लूँ, ज़्यादा बढ़ गया। 50 जब मैं बैंगलोर से यहाँ पे आई थी मैं कुछ 51 समथिंग थी, मतलब मैं यहाँ से जब गई थी 57 गई थी बैंगलोर, फिर मैंने वहाँ पे बैंगलोर में जितने दिन निकाले फिर बैंगलोर से यहाँ पे आई तो कुछ 51 हुआ। तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ 53 या 54 हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा कट ऑफ करना है 2 किलो रफली, तो अच्छा है एटलीस्ट इसी बहाने पेट खाली रहेगा अभी रोज़े के बहाने। बट अभी जो नीयत से रोज़ा रखा है और जैसे भी है अल्लाह दुआ कबूल अता फरमाए। तो अभी बस जा रही हूँ मैं फजर पढ़ने के लिए और बाहर अब मतलब बैठने वाले, अभी तो बैठने वाले और सुबह तक ही जागने वाले, सुबह तक रहेंगे मतलब जब तक सब कुछ लाइट वाइट उजाला नहीं आता, बिकॉज बकरे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो अभी वो ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है तो मैं अभी चलती हूँ और फजर पढ़ लेती हूँ, फजर पढ़ के सो के देखते हैं सुबह का क्या स्टेटस है कैसा है क्या है, मैं आपको अपडेट करती हूँ। चलिए मेरा बकरा आया, मेरा बकरा क्या चाहिए अब इसको मिलने आया, मेरे को ऊपर चढ़ने मिलने आया। ये दिस इज माय बकरा अफसा का बकरा, ये अफसा इसलिए मम्मी ने इसका नाम अफसा रख दिया, अफसा मम्मी इसको मेरे नाम से बुलाते हैं, अफसा 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 तो सुनता हो इसके लिए मैं। तो अभी अब्बा इसका ध्यान रखने वाले हैं सुबह तक और ये अफसा बाय बाय गुड नाइट आई विल सी यू टुमारो ओके बाय। हेलो देखो ये आवाज़ मम्मी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाकी के तो अंदर लोग को भी गुड मॉर्निंग, ये इसके पास से हट रहा है ना तो ये चिल्ला रहा है, खा रहा है क्या पत्ता बता दे, आ जा ए ले खा, नहीं खा रहा है पकड़ तू। तो देखा आपने, तो जैसे कि देखा आपने हमने बकरे लाए, मेरा रोज़ा है, नमाज़ें भी हो गई मेरी और इंशाल्लाह रोज़ा भी वक्त पे खोल दूँगी। तो इसी के साथ जो है मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और बताओ आप लोग ने बकरे लाए हैं नहीं लाए हैं, किसके घर में कुर्बानी हो रही है नहीं हो रही है, और हमारे घर में कुर्बानी नहीं बोल के भी आई थिंक 12 या 15 साल के बाद हो रही, बिकॉज ऐसा सुना था कि अगर कर्ज़ा हो तो कुर्बानी नहीं होती है, तो हमारे ऊपर था जो स्ट्रगल करके हमने कर्ज़ा जो है वो क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम कुर्बानी कर पा रहे। तो मैंने मेरे नाम का बकरा लाया है पर वही बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो अम्मी अब्बा और बाकी सकलेन जैन माहिन लोग के नाम पर भी करूँगी कुर्बानी। तो यस तो बस यही बोलना है और अल्लाह सबको मौका दे कुर्बानी करने का, हज पे जाने का और मक्के का दीदार करने का, बस हमें भी मौका मिले जल्द से जल्द हज करने। हाँ वो वाला ना, हाँ वापरे वो तो बहुत वो है। तो चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।